और वजीर आला की तब्दीली के मुतालबे पर तरीन और अब्दुल अलीम खान ग्रुप की राहें जुदा हैं। तर्जुमान अलीम खान का कहना है कि वजीर आला उस्मान बुज़दार को हटाने का हमारा कोई मुतालबा नहीं है, अब्दुल अलीम खान ग्रुप अलग है, हमें जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार नहीं की है। तफसीलात क्या हैं ये जानेंगे वासिफ महमूद से। वासिफ बताइए इस मुतालिक। देखिए, जो वजीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली की चाहे मगोइयां चल रही हैं और बातें चल रही हैं, उसके हवाले से जब तरीन ग्रुप ने कहा कि वो आज के जो वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास हो रहा है पार्लिमानी पार्टी का, उसके अंदर शरीक नहीं होंगे और वो उस्मान बुज़दार जब तक उनको नहीं हटाया जाता वो इस पार्लिमानी कमेटी में नहीं आएंगे और वजीर आजम के किसी इजलास में शरीक नहीं होंगे। लेकिन जो अब्दुल अलीम खान जो कि कुछ दिन पहले जहांगीर तरीन ग्रुप से मिले थे और उन्होंने कहा था कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ चलेंगे, लेकिन अब नई डेवलपमेंट ये आई है कि अब्दुल अलीम खान ने उस्मान बुज़दार के को हटाने का जो मुतालबा है उसे लातालुफी का इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो तरीन ग्रुप ने उस्मान बुज़दार को हटाने की बात की है वो उनसे मुशावरे से नहीं की और जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है वजीर आजम इमरान खान की जेरे सदारत वो तमाम लोग उसी इजलास के अंदर शरीक होंगे। जैसे ही अब्दुल अलीम खान वापस आएंगे तो जो तरीके अदम एतमाद और उस्मान बुज़दार की वजारत आला के हवाले से जो भी जो लाए अमल होगा वो अब्दुल अलीम खान की मुशावरे से ही होगा। शुक्रिया, आपने आगाह किया।